Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Niaz Stitching and Painting. आज मैं आपको ये वाला हार्ट शेप बेडशीट स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। तो पहले हमें स्केचिंग करना है। तो स्केचिंग करने के लिए हमने अपने बेडशीट को हाफ फोल्ड कर लिया है और हाफ हार्ट का जो हमारा शेप है वो हमने बना लिया है। और उसी के अंदर हमें इस तरह से फ्लावर सेट करना है और अपना डिज़ाइन सेट करना है। हाफ हार्ट में हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे और फिर हम कपड़े के नीचे इस तरह से कार्बन रख के उसको ट्रेस कर लेंगे। तो अब हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब हम अपने डिज़ाइन पे वाइट कोट करेंगे क्योंकि हमारा जो बेडशीट है वो डार्क कलर का है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डार्क कलर के बेडशीट में पेंट करने के लिए हमें पहले वाइट कोट करना पड़ता है ताकि हमारा कलर चेंज ना हो। अब हम वाइट कोट कर लिए हैं और अब हम उसमें पेंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने लीफ बनाना है। तो लीफ बनाने के लिए हमने सेव ग्रीन कलर फील किया और साइड में इस तरह से थोड़ा सा छोड़ दिया और फिर हमने एक कलर बनाया है वाइट कलर और लेमन येलो और बिल्कुल थोड़ा सा सेव ग्रीन कलर यूज़ किया है। फिर हमने सेव ग्रीन कलर और अपने लाइट ग्रीन कलर से स्टॉप किया है। यहाँ पे आप फोल्डेड लीफ का भी स्टेप देख सकते हैं। ये हमारा फिल्बर्ट ब्रश है, इसी से हम अपना वाइट वाला जो फ्लावर है 3 फ्लावर उसको रेडी कर लेंगे।
अब आते हैं फ्लावर पे। तो फ्लावर को बनाने के लिए हमने पहले गोल्डन येलो कलर फिल कर लेना है, और साइड में जैसे हमने लीफ में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था उसी तरह से छोड़ देंगे। फिर उसके सेंटर पे हमने थोड़ा सा ऑरेंज कलर यूज़ करना है और उसको मिक्स कर देना है। फिर थोड़ा सा रेड कलर लेंगे और उसको भी उसके ऑरेंज के सेंटर पर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, और उसको मिक्स कर देंगे। और फिर हमने वाइट और गोल्डन येलो कलर से स्ट्रोक बना लिया और इस तरह से पेंट करेंगे। जैसे हमने फ्लावर बनाया था उसी मेथड से हमने ये बर्ड भी रेडी किया है। ये जो हमारा 3 व्हाइट फ्लावर है इसके सेंटर में हमने ब्राउन कलर फिल कर दिया है, और अब हमने गोल्डन येलो कलर और ब्राउन कलर और वाइट भी थोड़ा सा लिया है और उससे इस तरह से हम इसमें पेंट करेंगे। अब ये हमारा स्मॉल फ्लावर्स रेडी हो चुका है। ये हमने स्मॉल फ्लावर बंच बनाया है, तो इसमें हमने वाइट और पर्पल कलर यूज़ किया। तो अब ये हमारा बेडशीट रेडी है। और आपको कैसा लगा मेरा ये डिज़ाइन और मेरा पेंटिंग कलर कॉम्बिनेशन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू।